और डामरी लग गई है शेरी भाई को और निकाली मैंने, अब इसको पला रहे। अब है आइडिया, चलो भाई पहला कुंड आ गया। ये निकाली है, नवाज शरीफ कहते हैं लोग, लोगों की नज़र में नवाज शरीफ भाई सही शिकारियां चल रही हैं यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम। सो फाइनली भाई एक नए व्लॉग के साथ आपका भाई आ गया वापस, बहुत टाइम के बाद, तकरीबन 3 साल बाद हमारा एक और नया फिशिंग ट्रिप बना है, तो उसके ऊपर जा रहे हैं। इस दफ़ा हमारे साथ मोस्टली जो है वो नए लड़के हैं, तो उनके लिए हमने पहले उठानी है लाइफ जैकेट, जो हम कल उठा चुके हैं, उसकी भी वीडियोस आप देख लेंगे। और अब हमने वेदर वगैरह विंड वगैरह चेक कर लिए, सब कुछ बुकिंग हो गई है, अब हमने निकलना है बस इंशाल्लाह सैटरडे को सुनहरा, फिर सुनहरा से हम जाएंगे चवाली से या हयात, जो फिशिंग भी जाते रहते हैं उन्हें पता ही क्या है चवाली से और हयात। मैंने सेल्फी लेंगे तीनों पहन के, ब्लॉग क्यों दिखाई अपना ये लाइफ जैकेट ले लिया, इन लोगों ने मुझे कूली बना के रखा हुआ, खुद चल रहे हैं मजे मजे से। अब हमारे साथ मसला क्या है कि मोस्टली हमारे साथ हैं नए लड़के जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, जिन्हें सी फोबिया भी है, वो कभी गए नहीं है, जाहिर सी बात है गहरे समंदर में बोट पे भी इतना उन्होंने दूर पे कहीं बैठे होंगे छोटी मोटी राइड पे, और उसके अलावा वो नहीं बैठे, तो उनके लिए लाइफ जैकेट उठा ली है और अब निकलना है। हम लोगों ने वेदर वगैरह विंड वगैरह चेक कर ली है, मौसम थोड़ा सही है, हो सकता है नए लड़कों को प्रॉब्लम हो क्योंकि थोड़ा सा पानी तेज है, और बाकी बड़ा मजा आने वाला है। तो मिलते हैं सुनहरा पहुंच के, फिर दिखाते हैं आपको फिशिंग ट्रिप। पहुंच गए हैं, इशू ये हो गया कि हमारा लंच वाला गुम हो गया, गुम क्या हो गया नहीं, अभी पहुंचे हैं उसे ढूंढ रहे हैं, उसने बुलाया है, मैं थोड़ा पीछे वाली साइड पर आ गया, तब जा रहे हैं उसकी लंच की तरफ, चलते हैं और लंच देखते हैं कौन सी वाली है। देखो भाई मेरे पीछे आ रही है शिकारी लॉन्डो की टीम पूरी, ये भरपूर फुल ट्रेन प्रोफेशनल शिकारी है, प्रोफेशनल शिकारी है जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हम मुंह से मछलियां पकड़ते पानी में जाके मछलियां में देख के मुझे आएंगी। ये है हमारी लंच, ये रजादारी बैठे हैं पर आज भाई एंट्री कर रहे हैं, बाकी तैयारी निकलने की, निकलते हैं। पहले भाई कैसे लग रहे हैं आपको यहाँ के नज़ारे? बहुत ही मज़ा आ रहा है, अभी तो आगे पता नहीं चलेगा क्या होगा। राज भाई ये लो भाई, हो गई हमारी सबकी, हो गई मेरा। इस वक्त सब थक चुके हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जब लोकेशन में पहुंच जाएंगे तो जब ही फिशिंग का स्टार्ट करेंगे रूटीन जो है। बाकी ये लोग अभी तक डोर बन रहे हैं, थोड़ी सी डोर उलझ गई है तो वो सुलझा रहे हैं, बाकी देख रहे हैं कैसे सब बैठ रहे हैं। भाई बस इनके खाने का ख़त्म होने का इंतजार है, फिर डोरे डालते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं क्या आता है नसीब के अंदर। लो चल रहा है खाना, जब तक आपको 360 दिखाता हूँ इस जगह का, यहाँ रुके हैं हम लोग, रुके हैं हयात के ऊपर, अब यहाँ फिशिंग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पानी तेज़ है पर थोड़ा सा, ये निकाली है नवाज शरीफ कहते हैं लोग, लोगों की नज़र में नवाज शरीफ भाई सही शिकारियां चल रही हैं यहाँ पे। उस्ताद फैजी उस्ताद, फैजी उस्ताद की शागिर्दे में आ रहा हूँ मैं।
सो फाइनली अदियान ने अपनी लाइफ की फर्स्ट फिश हुक कर ली थी और बहुत एक्साइटेड थे वो भी और हम सब भी देखने के लिए कि आखिर क्या पकड़ा है इन्होंने। और ये जो खुशी होती है फर्स्ट टाइम की, ये वही समझ सकते हैं जो फिशिंग करते हैं। तो ये अदियान की छोटी सी मछली उनके साइज़ के हिसाब से बाहर आती हुई, और बड़ा खूबसूरत लम्हा था ये। डीप सी एक कड़ा इम्तिहान जो फर्स्ट टाइमर्स को बिल्कुल इंटरटेन नहीं करता, बल्कि बहुत बुरे तरीके से पेश आता है। और ऐसे ही इम्तिहान चल रहा था हमारे बॉयज़ का। बोट बहुत ज़्यादा हिल रही थी, विंड बहुत तेज़ थी, हमारे हिसाब से सही थी पर उनके हिसाब से बहुत ख़तरनाक सिचुएशन थी। तब देखना ये था कि कब तक वो इस एडवेंचर को इंजॉय करते हैं और कब ये एडवेंचर उनको कहता है कि बस अब बहुत हो चुका। चाय की खुशबू आ रही है भाई कहीं से? कहाँ से आ रही है भैया खुशबू? ये भाई शिकार लग गया वीडियो देखते ही। मैदान खाली दिख रहा है, बोरियत फुल टाइम चल रही है। अभी बजे हैं तकरीबन 7 बज रहे हैं भाई। माशाल्लाह से जो है ना आपके भाई का एक्सपीरियंस ऐसा ऐसा टॉप क्लास का ऊपर जा रहा है कि भाई आपका भाई शिकारी बना हुआ है, फुल फिशिंग बॉय और फिशिंग कर रहा है। और अच्छी खासी मैंने दो निकाली ना, एक निकाली दो निकाली दो और एक रह गए आते आते हैं। एक तो बड़ी वाली थी जो मैंने निकाली थी, मैंने कहा अभी अभी तक टॉप स्कोरर फैजी भाई चल रहे हैं, सबसे बड़ी पीस उन्होंने निकाली। नहीं नहीं, उससे बड़ा मेरा पीस था। मैं उससे बड़ा पीस था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपने दोस्त को हराऊं। तो चले। और हमारे अली भाई की तबीयत खराब हो गई है, डमरी लग गई है शेरी भाई को और निकाली मैंने, अब इसको पल्ला रहे अब है आइडिया। हाँ पीछे 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 ये भाई दोबारा सांप, इस सांप ने तंग करा हुआ है, 6 से 7 दफ़ा ये सांप लग चुका है हमें। ये देख रहे हो कैसा रोल हो रहा है, ये रहा। चलो भाई पहला कुंड आ गया, जाल जाल सनी भाई, ठंडा हो जा। क्या बोला था, कुंड आ गया डामरी है। सनी भाई आ रहे हैं जाल लेके। भाई टाइम हो गया है रात के 9:30 और फरागत चल रही है भरपूर, क्योंकि ये मछलियाँ नीचे से गुजर रही हैं, चारा नहीं खा रही हैं। ये हमारे साजिद भाई को कुछ लग गया, देखते हैं क्या निकलता है। पीली टैक्सी लगी है लेकिन उसके जो है ना टायर खराब ले गया। बाबा कुछ निकाल भी रहे हो, सस्पेंशन जो है ना उसका आउट है और स्टीयरिंग उसका जो है आ गया है दुबई। ये देखिए आप पीली टैक्सी है, चलो भाई इसके टायर नहीं है, बस यही आ रहे हैं जिसकी हमें उम्मीद है, अभी वो नहीं आना शुरू हुआ है। वेदर कंडीशन और अपने बॉयस की ख़राब हालत की वजह से हमें फाइनली अपनी जगह से मूव करना पड़ा और हम डीप सी से निकल के 100 फीट पानी वाली जगह पर चले गए, जहाँ से किनारा करीब था और जहाँ पे कश्ती ज़्यादा हिल नहीं रही थी। यहाँ पे अब मैगी पार्टी चल रही है। आज क्या खा रहे हो? टाइम क्या हो रहा है? 4:30 भाई देखो मछली अभी बनाई है अली भाई ने, छीला है वकास भाई ने, मसाला लगाया है फैजी है अली भाई ने। फैजी तो भाई इसे मछली निकाल रहा था ना, मैं तो बोला, मैंने बताया। तो कैसा जा रहा है टेस्ट कैसा जा रहा है भाई साहब, टेस्ट कैसा जा रहा है यार? सर्दी में गरम गरम तो ऐसी लग रही है ना, ये दिमाग पे लग रही है।
भाई सुबह बस होने वाली है, सूरज निकलने वाला है और टेम्परेचर हो गया 18। इतनी ज़्यादा तैयारी से नहीं आए थे, खैर जैकेट और ये टोपा मफलर तो रख लिया था, पर जो सर्दी लग रही है ना वो लग रही है सिर्फ जीन्स पहना हुआ उसकी वजह से। रोशनी हो गई है, सूरज नहीं निकला है अभी। बाकी शिकार मज़ेदार नहीं हुआ, पर यह है कि टाइम पर अच्छा हो गया, तफरी हो गई, मछली बना ली, नूडल्स बना लिए, बहुत सारी बातें कर ली, और जो ये व्यू है मेन चीज़ जो थी वो हमारी अचीव हो गई है। बहुत मज़ा आया, अभी एक ट्रिप रह गई है बस, जैसी रोशनी बढ़ेगी तो देखते हैं अगर कुछ लगता है। वैसे इतना लग गया जो हम बना लें और खा लें बस। भाई ये हमारे वो चार लड़के हैं लाइफ में फर्स्ट टाइम आए बोट पे, वो बीच समंदर में। हसन दादी कैसी गुजरी? अगर आप में से भी कोई यहाँ आना चाहता है तो मेरा मशवरा यही है कि किसी सीनियर के साथ आएँ जो पहले आ चुका हो, क्योंकि समंदर रास्ते आपका नाम पूछ लेगा अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो आप किसी ऐसे शख्स के साथ आएँ जो इसके बारे में थोड़ी नॉलेज रखता हो, सब कुछ देख के। ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल मुँह उठाया और प्लान कर लिया, कहीं से नंबर ले लिया, किसी से पता कर लिया और पहुँच गए। तो अगर ऐसे आओगे तो हालत बहुत ख़राब होने वाली है तुम। ये था भाई छोटा सा व्लॉग जो आप तक हमने पहुंचा दिया। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। बाकी कहते हैं कि दुनिया में दो चीज़ों की खूबसूरती बहुत नेचर के हिसाब से ज़्यादा डिपेंड करती है, एक होता है पहाड़ और दूसरा होता है समंदर, और यहाँ पे दोनों ही हैं, समंदर भी और पहाड़ भी। तो मज़ेदार है, आओ एक्सपीरियंस करो, बट किसी ऐसे बंदे के साथ जो पहले यहाँ आ चुका हो और यहाँ से वाकिफ़ हो, वरना समंदर तुम्हें नाम ही सब याद दिला देगा। बाकी ये भी तफरी चल रही है, बस एंड रह गया, बस अभी 15 से 20 मिनट में लॉन्च स्टार्ट होने वाली है और लॉन्च चलाने वाला हूँ मैं, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ एंड पे। मैं स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं, फिर एंड की एक वीडियो का शॉट और उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग।